हेलो गाइस, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं चयन सर्वे के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऑफसेट डालने के लिए काम आते हैं। अब ऑफसेट क्या होते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चयन सर्वे के अंतर्गत हम किसी फील्ड में चयन सर्वे कर रहे हैं और हमने यहाँ पर कोई सर्वे लाइन खींच रखी है। ये हमारी सर्वे लाइन्स हैं, ये कोई सर्वे लाइन है और इस सर्वे लाइन से आसपास या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने देखिए यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन बना ली है। ये सर्वे लाइन हमारी है, यानी एक चैन लाइन है। यहाँ पर हमने चैन डाल रखी है और इस चैन लाइन से हमने देखा कि राइट पोर्शन में या लेफ्ट पोर्शन में कुछ ऐसे डेटाज हैं जो उस फील्ड में हमें दर्शाना, उस फील्ड से जो हमारा मैप बनाएंगे उसमें हमें दिखाना उनको जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी सर्वे लाइन से राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा अवेलेबल है और उसको हमें मैप में दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, तो बाय ऑफसेट हम वहां तक पहुंचते हैं और वहां से उसकी डिटेल लेके आते हैं। जैसे अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री का ऑफसेट निकालूं और यहां पर सपोज कीजिए कोई पेड़ है, तो इस पेड़ की मैं डिटेल ले पाऊंगा कि ये पेड़ हमारा यहाँ से कितनी दूरी पर है और ये ऑफसेट हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्री का भी हो सकता है और किसी भी एंगल का हो सकता है। तो अब आप ये सोचिए कि 90 डिग्री या 45 डिग्री या किसी भी डिग्री पर अगर हमें कोई ऑफसेट डालना है तो उस ऑफसेट के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ये काम कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कंपटीशन लेवल में इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। और अगर आप डिप्लोमा की बेसिक कोर्सेज की भी क्लास करते हैं तो आपको एक सर्वे, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको सर्वे की एक अच्छी नॉलेज लेने के लिए आपकी ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं ऑफसेट डालने वाले इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हमने ऑफसेट डालने वाले इंस्ट्रूमेंट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कौन से, देखिए कई टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हमने सबसे फर्स्ट कैटेगरी वाले इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं कि क्रॉस स्टाफ हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे कितने टाइप्स के और भी उनको हम अलग अलग पार्ट्स में कैसे अलग कर सकते हैं। एक तो ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ या फिर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे किसी भी सर्वे लाइन से 90 डिग्री या किसी भी एंगल पर ऑफसेट डालने के लिए सक्षम होते हैं। तो अब पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पर डाला हुआ है ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो गाइस, मैंने आपको ये डायग्राम प्रोवाइड कर रखा है, इसमें आप देखिए इसके अंदर हमारा एक राइट एंगल पर आप देख रहे हैं जिसमें चार स्लॉट बने हुए हैं, चार हमारे वेंस हैं इसमें, 1 2 3 4, और चारों हमारे कैसे एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित हैं, यानी कि इसमें आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन सभी आप देख रहे हैं कि चारों स्लॉट्स जो हमारे कैसे हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित हैं। और ये दोनों हमारे कहाँ पर है, ये हमारा हैंडल लगा हुआ है। तो देखिए, हम इस इंस्ट्रूमेंट में दो आई वेन और दो ऑब्जेक्ट वेन होती हैं। तो एक आई वेन से हम, हमारी ये आई वेन है और ये ऑब्जेक्ट वेन है, इससे हम क्या देख पाएंगे, कोई टारगेट देख पाएंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट का आखिर हम यूज कैसे करते हैं। सपोज कीजिए मैंने अपने हाथ में दो पेन लगा रखे हैं और एक तीसरा मैंने मार्कर इस तरह से पकड़ लिया यहाँ पर। तो अब आप देखिए इसमें इस तरह से ये हैंडल है, जो ये मार्कर है वो ये वाला हैंडल का काम कर रहा है और जो ये रेड मार्कर है वो एक स्लॉट का काम कर रहा है, दूसरा हमारा मार्कर ये इस स्लॉट का काम कर रहा है। यहाँ पर हमारी वेंस लगी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो एक सर्वे लाइन हमने यहाँ पर बना रखी है, यानी जिस लाइन पर हमारी चैन डली हुई है ये वाली लाइन, हम क्या करेंगे इस चैन लाइन से इस आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन को देखते हुए इस चैन लाइन पर जो हमारे यहाँ पर रेंजिंग रॉड गड़ी हुई होगी, यानी हम यहाँ से देख रहे हैं और देखते जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस रेंजिंग रॉड को, तो हमारी आँख कहाँ पर है, यहाँ, और ये आँख हमारी किस रेंजिंग रॉड को देख पा रही है, इससे आगे लगी हुई रेंजिंग रॉड को देख पा रही है इस तरह से। तो अब आप देखिए, सपोज कीजिए ये आई वेन है, ये ऑब्जेक्ट वेन है और सर्वे लाइन इसी के पैरेलल है। अब हमने इस तरह से देखा, तो जब हम इस तरह से उसको देखेंगे तो अब आप ये बताइए ये वाला आई वैन और ये वाली ऑब्जेक्ट वैन अगर यहाँ से कितने डिग्री पर, अगर कोई यहाँ से लाग्रम लाइन खींचे इनको देखते हुए तो वो कितने डिग्री पर जाएगी, 90 डिग्री पर। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम क्या करते हैं सर्वे लाइन के पैरेलल हम इस अपनी आई वैन और ऑब्जेक्ट वैन को कर लेते हैं, जब एक लाइन हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी तो दूसरी वाली हमारी जो ये वैन्स हैं वो इससे कितने डिग्री पर होंगी, 90 डिग्री पर। तो अब आप
इसको एक्चुअल में चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज वगैरह में इस इंस्ट्रूमेंट को लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से इसको कर पाएंगे। तो देखिए मैं इस पर डिस्कस करता हूँ कि हमने एक आई वैन और ऑब्जेक्ट वैन से हमने इसको देख लिया, जब हम देखेंगे तो हमारी दूसरी वाली जो स्लॉट होगी कैसे हो जाएगी, इसके 90 डिग्री पर हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ से देखते हुए हम एक कोई भी यहाँ पर रेंजिंग रॉड या कुछ भी जो भी हमें स्टेशन चाहिए वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है हमारा 90 डिग्री ऑफसेट डालने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया इसमें कि हम क्रॉस स्टाफ का यूज़ किस लिए करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, इसकी संरचना कैसे होती है कि ओपन क्रॉस स्टाफ में चार वेन्स होती हैं, उनमें दो आई वेन और दो ऑब्जेक्ट वेन होते हैं, जैसे कि आपके सामने डायग्राम द्वारा लिखा हुआ है। और ये एक हमारा हैंड इंस्ट्रूमेंट है, हाथ द्वारा इसी से हम हाथ में ही लेकर इसका हम यूज़ करते हैं। इसके लिए कोई भी ट्राइपॉड वगैरह नहीं लगाया जाता है। और यही इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, 90 डिग्री तक का ऑफसेट डालने के लिए फील्ड में सक्षम है। गाइस आपको मैं फिर बता दूं, जो भी हमारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चलिए। आप देखेंगे जब ये हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो जो आपके लिए कंपटीशन लेवल या डिप्लोमा के किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए आपके ये सफिशियंट होंगे। तो अब हमने इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हमारा होता है किसी भी सर्वे फील्ड में 90 डिग्री तक का ऑफसेट डालने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये ओपन क्रॉस स्टाफ हमारा किस लिए यूज होता है। इसका क्या नाम है, ओपन क्रॉस स्टाफ, जो मैंने फर्स्ट नंबर पर यहाँ लिख रखा है, इनको मैंने सीरियल वाइज ही डायग्राम बना रखे हैं। तो ये हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, 90 डिग्री तक के ऑफसेट डालने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि अगला हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए अब यहीं पर सोचिए कि अगर हमें कहीं पर कोई ऐसा ऑफसेट है जिसका ऑलरेडी 90 डिग्री से कम है, तो हम वहाँ पर हम चाहते हैं कि 45 डिग्री वगैरह का ऑफसेट डले, तो वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट हमारा काम नहीं आएगा। तो अगर हमें 45 डिग्री का या फिर हम चाहते हैं 90 डिग्री का ही ऑफसेट डालना हो तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो ओपन क्रॉस स्टाफ कितने एंगल के लिए, वैलिड ओनली 90 डिग्री के लिए। अब बात करते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट की। तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये हमारे किस प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइन खींच लेते हैं यहाँ से ऐसे हमने, तो आप देख पाएंगे इसको, अगर डायग्राम को आपको बनाना है तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, यहाँ पर मैं एक सीधी यहाँ से लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब उनको भी मैंने 90 डिग्री को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। ये कह सकते हैं ये हमारी सभी रेखाएं एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 45-45 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो बिल्कुल अब आप यही समझ लीजिए कि इसी आधार पर, इसी को बेस मानकर हमने ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है। इसमें सभी फलकें एक दूसरे से 45 डिग्री पर होती हैं। इसमें आप देखिए कितने वेन्स हैं। अब अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल यही बनाइए, फिर इन सबको ऐसे मिला दीजिए, आप देखेंगे कि ऑक्टागन हमारा यहाँ पर बन जाएगा, यानी अष्टभुज हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा देखिए ऑक्टागन हमारा बन गया। इसी को आधार मान के मैंने भी ऐसा ही डायग्राम बनाया है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी भुजाएं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ भुजाएं हमारी इसमें अवेलेबल हैं। तो जब आठ भुजाएं हैं एक दूसरे कितने डिग्री पर हैं, 45 डिग्री पर हैं। तो देखिए आठ फेस बने हुए हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ फेस बने हुए हैं। और इन आठ फेस में से चार हमारे आई वैन होंगे और चार ही हमारे ऑब्जेक्ट वैन होंगे। पिछले डायग्राम में क्या थे, चार टोटल स्लॉट्स थे जिसमें दो आई वैन थे, दो ऑब्जेक्ट वैन थे। इसमें कितने हैं, इसमें आठ हैं, तो चार आई वैन और चार ऑब्जेक्ट वैन होंगे। चलिए तो अब आप समझ गए सबसे पहले तो इसमें कि हम इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक तो 45 डिग्री तक का भी, सपोज कीजिए देखिए यहाँ पर हमारी एक सर्वे लाइन है, यहाँ पर कोई सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है हमारी यहाँ पर, देखिए ये कोई सर्वे लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है। हम अपनी आँख द्वारा हाथ में इसको पकड़ के ऐसे देखते हैं, तो ये हमारी आई वैन, ये हमारा ऑब्जेक्ट वैन। अब इस ऑब्जेक्ट वैन से हमने क्या देखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वैन से हमने देखा इस रेंजिंग रॉड को, लेकिन इस आई वैन से हमने इसको एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर लिया। अब ये फील्ड में, ये मैं ऊपर से इसका प्लान दिखा रहा हूँ कि कैसा बना हुआ है ये।
अब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड में हमें ये लाइन हमारी जी जाती है, अगर हम इस आई वैन से इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल हाथ में यहीं पकड़ के रखना है, इसे हिलाना नहीं है, और इस आई वैन से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट वैन की तरफ देख के एक रॉड अगर यहाँ फील्ड में लगाता हूँ, तो यह इस लाइन से कितने डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर। सपोज कीजिए अगर मुझे ये यूज नहीं करना, अगर मैं यहाँ से ये इस आई वैन का यूज़ करता हूँ, इस आई वैन का यूज़ करता हूँ, तो ये वाली ऑब्जेक्ट वैन देखते हुए मैं यहाँ रेंजिंग रॉड गाड़ता हूँ, तो ये कितने डिग्री पर हो जाएगी, 45 डिग्री पर, यानी 45 डिग्री एंड 90 डिग्री तक का एंगल यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। अब आप एक रिजल्ट ये कह सकते हैं कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो हम पढ़ रहे हैं, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ऐसा क्रॉस स्टाफ है जो किसी भी सर्वे फील्ड में 45 डिग्री के साथ साथ 90 डिग्री तक का भी ऑफसेट डालने में सक्षम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके एक बार कंस्ट्रक्शन बता देते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन हमारे क्या में 8 फेज होते हैं, जिसमें 4 आई वैन 4 ऑब्जेक्ट वैन होते हैं, नीचे एक हैंडल लगा हुआ होता है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। और इसके प्लान में अगर देखें, इसके प्लान की शेप ऑक्टागन शेप की होती है, और सभी से जो लाइन ऑफ साइट निकलती हैं, जो दृष्टि रेखाएं निकलती हैं, वो कैसे डिग्री पर होती हैं, 45 डिग्री पर इसमें स्थित होती हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का प्रयोग हम 45 डिग्री के साथ साथ 90 डिग्री तक का ऑफसेट डालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे हमें हो सकता है ना तो हमें 45 ना हमें 90 डिग्री का ऑफसेट चाहिए, हमें चाहिए किसी भी डिग्री पर एंगल पर हमें कोई भी ऑफसेट रिक्वायरमेंट फील्ड में हो सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। देखिए जो कि आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमारे क्या होते हैं, दो सिलेंड्रिकल पोर्शन हैं, दो हमारे क्या हैं, दो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, एक अपर सिलेंडर, ये हमारा क्या है अपर पार्ट, इस सिलेंडर का अपर पार्ट है ये, और दूसरा हमारा है लोअर पार्ट ऑफ सिलेंडर, ये हमारा कौन सा है लोअर पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो इसमें दो सिलेंडर हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अब देखिए इसमें हमारे आई वैन और ऑब्जेक्ट वैन हमारे लोअर सिलेंडर में स्थित होते हैं, और हम अपनी लाइन ऑफ साइट देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी कोई सर्वे लाइन है, सपोज कीजिए ये कोई सर्वे लाइन है, ये हमारी सर्वे लाइन है, और इस सर्वे लाइन पर हमें क्या करना है, कोई ऑफसेट किसी भी डिग्री का हमें निकालना है। तो हम लेके आए सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर को, इसमें हाथ में पकड़ा, और यहाँ से हमने आई द्वारा ऑब्जेक्ट वैन से हमने इस सर्वे लाइन पर स्थित हमने क्या कर लिया, एक रेंजिंग रॉड को देख लिया। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा बिल्कुल सर्वे लाइन पर स्थित हो गया। अब हमें अपने इस आई वैन और ऑब्जेक्ट वैन को घुमाकर, हम देखिए इसमें लिखा हुआ एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, इसका मतलब क्या है, इस क्रॉस स्टाफ को एडजस्ट किया जा सकता है किसी भी डिग्री पर। इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, ये हमारे सिलेंड्रिकल पोर्शन में सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बेलनाकार स्थिति में होता है, और इसको घुमाने के लिए नीचे हमारी एक घुंडी लगी होती है, यानी ये हमारी रैक एंड पिनियन की एक घुंडी लगी हुई है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस अपर वाले सिलेंडर को आराम से घुमा सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में अपर सिलेंडर लोअर सिलेंडर पर मूव करता है, लेकिन अपर सिलेंडर में वर्नियर लगा होता है और लोअर सिलेंडर में डिग्री और उसके सब डिवीज़न मिनट में हम रीडिंग्स को पढ़ पाते हैं। तो हमने क्या किया, फील्ड में गए और इस आंख द्वारा हमने रेंजिंग रॉड को देखा, और हमें बाद में किसी भी डिग्री पर एंगल हमें ऑफसेट चाहिए, तो यहाँ पर हम रेंजिंग रॉड एंगल हम अपनी अपर पार्ट और लोअर पार्ट पर हम एंगल को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा किसी भी डिग्री पर ऑफसेट डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है। तो गाइज आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि चैन सर्वे के अंदर हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट ऑफसेट डालने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि हमें फील्ड में चैन सर्वे के अंतर्गत हमें करना पड़ता है। तो गाइज आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एंड इस पर कमेंट करें एंड इसको शेयर करें। थैंक यू गाइज़।